दोस्तों, प्राचीन भारत में जितना डेवलप्ड और समृद्ध बिहार था, उतना ही डेवलप्ड और समृद्ध आधुनिक भारत में बंगाल था। साहित्यिक, राजनैतिक और आर्थिक रूप से बंगाल इंडिया के सबसे मजबूत राज्यों में से एक था। यहाँ तक कि बंगाल के बारे में ऐसा कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, यानी कि भारत में बंगाल से एक नए विचार का उदय होता था। इन सब के अलावा बंगाल क्रांतिकारियों और बुद्धिजीवियों की जन्मभूमि रही है। सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, खुदीराम बोस, विपिन चंद्रपाल, सूर्य सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे महान लोग इसी धरती की देन है। और दोस्तों, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को अपने कंट्रोल में ना कर पाती तो शायद ब्रिटेन पूरे भारत को अपनी कॉलोनी बनाने में सफल नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आजादी के बाद बंगाल को ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा जिससे ये राज्य ना सिर्फ ग्लोरी खोता चला गया बल्कि पश्चिम बंगाल वर्तमान में सबसे अंडर डेवलप्ड स्टेट में गिना जाने लगा। और दोस्तों, इसके ऊपर आपको यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बंगाल की समस्याएं नहीं गिनवाने वाले बल्कि हम पश्चिम बंगाल के उस पोटेंशियल को डिटेल में समझने वाले हैं जिससे बंगाल अपनी लॉन्ग लॉस्ट ग्लोरी को वापस हासिल कर पाएगा। यूपीएससी ने 2023 रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट किया है और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यूपीएससी में फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले श्री आदित्य श्रीवास्तव अन अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लर्नर रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, रैंक थर्ड और रैंक सिक्स प्राप्त करने वाले टॉपर्स भी अन अकेडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे हैं। दोस्तों, ये लिस्ट इतनी लंबी है कि 315 से भी अधिक ऑफिसर्स अन अकेडमी प्लेटफॉर्म से लाभान्वित हुए हैं। और दोस्तों, इसी रिजल्ट सेलिब्रेशन की खुशी में अन अकेडमी सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को दे रहा है अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट। दोस्तों, अब 15 मंथ्स के यूपीएससी सब्सक्रिप्शन की प्राइस केवल 29,999 कर दी गई है। तो वेट मत करिए, सब्सक्राइब करिए और उड़ान दीजिए अपने यूपीएससी ड्रीम्स को। इसकी सब्सक्रिप्शन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। ग्लोरी ऑफ बंगाल। दोस्तों, बंगाल की सिविलाइजेशन 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी दो सबसे बड़ी नदियों के फर्टाइल लैंड पर बसा हुआ ये राज्य 18 सेंचुरी तक अपने सिल्क और कॉटन के लिए दुनिया भर में फेमस था। बंगाल में अंग्रेजों के आने से पहले तक एक रिच हैंडलूम इंडस्ट्री काम किया करती थी जिससे बंगाल में बनने वाले कपड़ों का एक्सपोर्ट दुनिया भर में किया जाता था। आरसी दत्त, जो कि इंडियन इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे, वो कहते हैं कि ब्रिटिश रूल के पहले भारत में बुनाई लोगों की नेशनल इंडस्ट्री थी और ये लाखों महिलाओं का व्यवसाय भी था। भारतीय कपड़ा इंग्लैंड और यूरोप, चीन और जापान, अरब, बर्मा, पर्शिया और अफ्रीका के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था और इसका सबसे बड़ा हब था बंगाल। टेक्सटाइल के साथ ही साथ बंगाल के हैंडीक्राफ्ट्स भी देश भर में फेमस थे। और दोस्तों, बंगाल के इसी बिजनेस के चलते 18 सेंचुरी तक इंडिया की जीडीपी ग्लोबल जीडीपी का लगभग 25% कंट्रीब्यूट करती थी। इसीलिए ब्रिटिश इंडिया में किसी राज्य पर सबसे पहले कब्जा करना चाहते थे तो वो बंगाल ही था, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश ने ना मराठों से लड़ा, ना हैदराबाद, ना मैसूर और ना ही मुगलों से। सबसे पहले उन्होंने बंगाल को जीतने के लिए 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा, क्योंकि ब्रिटिशर्स जानते थे कि अगर वो बंगाल को जीत लेते हैं, अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेते हैं, तो पूरे इंडिया में एस्टैब्लिश करने में उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और आगे हुआ भी यही दोस्तों। 1773 में ब्रिटिशर्स ने सुप्रीम कोर्ट और 1911 तक बंगाल को अपना कैपिटल बना लिया। इनफैक्ट 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ब्रिटिशर्स के साथ साथ हिस्टोरिकल सिल्क रूट होने की वजह से बंगाल शुरुआत से ही काफी कल्चरल और एजुकेशनल हब रहा है। और ब्रिटिशर्स के आने के बाद यहाँ तेजी से वेस्टर्न एजुकेशन का भी स्प्रेड हुआ जिसने आगे चलकर देश को कई ब्रिलियंट माइंड्स दिए हैं। ब्रिटिश एरा में बंगाल एजुकेशन में आगे था और यही कारण है कि आईसीएस के एग्जाम में भी कई सारे लोग बंगाल से निकलते थे जिसे आज हम आईएएस के नाम से जानते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी को बंगाली बाबू कहा जाता था तो ये अज्यूम कर लिया जाता था कि अगर ये व्यक्ति बंगाल से है तो फिर एजुकेटेड तो होगा ही और गवर्नमेंट जॉब में भी होगा। दोस्तों, आधुनिक भारत में बंगाल की गोल्डन हिस्ट्री के बाद भी ब्रिटिशर्स ने बंगाल का खूब एक्सप्लॉयटेशन किया, वो चाहे इकोनॉमिक लेवल पर हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। और दोस्तों, इसके बावजूद बंगाल ने अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी। लेकिन दोस्तों, 1947 में जब देश की आजादी के साथ पार्टीशन ने बंगाल के एक बड़े हिस्से को से अलग कर ईस्ट पाकिस्तान बना दिया तो बंगाल की ग्लोरी आजादी के साथ ही फीकी पड़ने लगी। हालांकि दोस्तों, अभी भी बंगाल भारत के बाकी स्टेट से काफी अमीर था, लेकिन नेक्स्ट एक दो डेकेड्स में बंगाल धीरे धीरे देश के बाकी राज्यों से भी पिछड़ने लगा। और आज हालात ये है कि बंगाल की 20% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे जीने को मजबूर है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.84 है और 18.7% लोग यहाँ पर खाली पेट सोने को मजबूर है। और दोस्तों, ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर कैसे पश्चिम बंगाल वापस से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल कर सकता है
और अपनी लॉन्ग लॉस्ट ग्लोरी रिस्टोर कर सकता है। हाउ कैन बंगाल अचीव इट्स लॉन्ग लॉस्ट ग्लोरी? इलीगल इमिग्रेशन। दोस्तों कहते हैं ना कि जब एक राज्य बढ़ता है तो इसके दो पहलू होते हैं, जिसमें एक हिस्से का तो फायदा होता है लेकिन इसका इम्पैक्ट दूसरे हिस्से पर जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो। अब झारखंड को ही देख लीजिए, जब ये बिहार से अलग हुआ तो राज्य के मैक्सिमम नेचुरल रिसोर्सेज झारखंड के पास चले गए, जिससे झारखंड का तो फायदा हुआ लेकिन बिहार को नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन दोस्तों वेस्ट बंगाल के बंटवारे में ना सिर्फ उसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज गंवाने पड़े बल्कि इसके साथ ही एक बड़े पैमाने पर इलीगल इमिग्रेशन का भी सामना करना पड़ा, जो 1970 से शुरू हुआ। वेस्ट बंगाल की माने तो 1971 में करीब 60 लाख रेफ्यूजीज ने ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल में माइग्रेट किया और 1980 के दशक में ये नंबर 80 लाख तक पहुंच गया, जिसने बंगाल की इकोनॉमी पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया। 1971 की जंग के बाद बंगाल की हालत सुधरे नहीं और आज भी बड़ी मात्रा में इलीगल इमिग्रेंट बंगाल में रह रहे हैं। ऐसे में बंगाल सरकार को इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहां ये बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, वहीं इससे वेस्ट बंगाल में रहने वाले लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज सीमित होती जा रही हैं। और ऐसे में ऐसे एक्ट रिफॉर्म किए जाने चाहिए जिससे इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। दोस्तों आजादी के पहले और बाद बंगाल को दो बड़े झटके मिले। पहला था 1947 में बंगाल का बंटवारा और दूसरा 1948 का सूखा, जिसने बंटवारे के बाद बने पश्चिम बंगाल की कमर तोड़कर रख दी, जिसे पहले ही खुद के एक्सपेंशन के लिए ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया था। दोस्तों तब से आज तक पश्चिम बंगाल खुद को रिकवर करने में लगा है, लेकिन इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह है एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी। दोस्तों बंगाल के टोटल 56 लाख हेक्टेयर के कल्टीवेटेबल एरिया का एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो राज्य की टोटल लैंडमास का 63% हिस्सा है। इसके बावजूद भी बंगाल की GDP में एग्रीकल्चर सिर्फ 23% ही कंट्रीब्यूट कर पाती है। और ऐसे में अगर बंगाल सरकार पंजाब और हरियाणा की एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन अपने स्टेट में करे तो वेस्ट बंगाल के एग्रीकल्चरल सेक्टर में बूम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां की जमीन भी बहुत ही फर्टाइल है और ऐसे में किसानों को सब्सिडीज और एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का प्रमोशन और मार्केट लिंकेजेस क्रिएट करके सरकार सीधे किसानों को फायदा पहुंचा सकती है। दोस्तों इतनी उपजाऊ जमीन होने के बावजूद आज बंगाल के किसान पूरी पोटेंशियल के साथ जमीन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और इसमें न्यू एज टेक्नोलॉजी से किसानों को परिचित करवाकर बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर लोन्स प्रोवाइड करवाकर बंगाल के एग्रीकल्चरल सेक्टर में बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों बंगाल की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सिर्फ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स ही काफी नहीं है, बल्कि बंगाल में कुछ नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इंडस्ट्रीज की भी खास जरूरत है। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। दोस्तों क्योंकि वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1955 में सरकार ने जो लैंड रिफॉर्म्स किए थे उसके अकॉर्डिंग ये तय नहीं हो पाया था कि कौन सी जमीन एग्रीकल्चर के पर्पस से इस्तेमाल की जाएगी और किस पर इंडस्ट्री का सेटअप किया जाएगा। और दोस्तों इसी लैंड रिफॉर्म एक्ट के कंफ्यूजन की वजह से बंगाल में जब भी किसी इंडस्ट्री का सेटअप करने के लिए जमीन अलॉट की जाती थी तो वहां के किसान उसका ये कहकर विरोध करने लग जाते थे कि जिस जमीन पर इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है वो एक एग्रीकल्चरल लैंड है। और दोस्तों इसे आप टाटा के नैनो प्रोजेक्ट के एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं, जब टाटा को बंगाल के किसानों के बैकलैश की वजह से अपनी 150 करोड़ की फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई थी। इसीलिए दोस्तों बंगाल में पर 1 लाख लोगों के मुकाबले सबसे कम फैक्ट्रीज हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक से कंपेयर करें तो इन दोनों देशों में जहां पर 1 लाख लोग 20 से 21 फैक्ट्रीज हैं, वहीं बंगाल में इसकी आधी सिर्फ 9 ही फैक्ट्रीज हैं। इसी वजह से बंगाल में साल 2010 के बाद से इंडस्ट्रीज में 97% डिक्लाइन देखने को मिला है। नक्सलिज्म। दोस्तों वहीं बंगाल की पॉलिटिक्स ने भी लेट 60s में करवटें लेनी शुरू कर दी थी, जिससे बंगाल में लेफ्ट पार्टीज का इन्फ्लुएंस बढ़ गया। लेफ्ट पार्टीज और माओइज्म के बढ़ते इन्फ्लुएंस के बीच वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी गांव से नक्सलाइट मूवमेंट की शुरुआत हुई और ये मूवमेंट इंडस्ट्रीज के खिलाफ थी, जिसकी वजह से देखते ही देखते बंगाल में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से बंद हो गई, जिसका सीधा असर बंगाल की इंडस्ट्रीज पर हुआ और वो कैपिटल डिफिशिएंसी की मार झेलने लगी। और दोस्तों आज के हालात तो हमने आपको पहले ही बता दिए हैं कि आज की डेट में बंगाल में इंडस्ट्रीज के क्या हाल हैं। ऐसे में अगर वेस्ट बंगाल को वापस से अपनी टॉप इकोनॉमिक पोजीशन गेन करनी है तो सबसे पहले बंगाल सरकार को जरूरत है कि वो लैंड रिफॉर्म्स पर काम करे, क्योंकि आज कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसी जगह तो फैक्ट्री नहीं लगाना चाहेगा जहां से इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज टाटा को भी भागना पड़ा था। अगर बंगाल चाहता है कि उसके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सपना ठंडे बस्ते में ना जाए तो उसे बाकी कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये यकीन दिलाना होगा कि उनके लिए बंगाल में जगह है और वो आसानी से अपने ऑपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों बे ऑफ बंगाल, जहाँ से इतिहास में एशिया से यूरोपियन कंट्रीज को होने वाले एक्सपोर्ट का 60% ट्रेड होता था, अगर आने वाले समय में
वेस्ट बंगाल में फिर से फैक्ट्रीज लग जाती हैं, तो बंगाल फिर से उसी गोल्डन हाइट्स पर पहुंच सकता है टूरिज्म। लेकिन इन सबसे पहले दोस्तों, बंगाल के पास एक बनी बनाई इंडस्ट्री है और वो है टूरिज्म। वेस्ट बंगाल की आधी इंडस्ट्री मिनरल्स और खदानें भले ही बंटवारे के दौरान चली गई हो, लेकिन उसकी प्राकृतिक सुंदरता और टूरिस्ट अट्रैक्शन आज भी उसे टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनाते हैं। जरूरत है तो बस थोड़े प्रमोशन की। बंगाल में कोलकाता शहर में विक्टोरिया मेमोरियल, प्रिंसेप घाट, दक्षिणेश्वर काली मंदिर टूरिस्ट के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, और वहीं दूसरी ओर वेस्ट बंगाल के ऐसे भी कई हिस्से हैं जिन्हें टूरिस्ट पॉइंट के तौर पर प्रमोट किया जा सकता है, जैसे कि सिलीगुड़ी, हिमालय की गोद में बसा हुआ ऐसा शहर जो अमूमन सैलानियों की नजर से दूर रह जाता है। यूं तो पश्चिम बंगाल में कई टूरिस्ट स्पॉट हैं, लेकिन दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी शहर के बीच मौजूद ये शहर कई पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं सुंदरबन भी है, और सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होने के साथ ही साथ सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। ये एरिया पूरी तरह से मैंग्रोव के सुंदर पेड़ों में बटा हुआ है, और ये कालीपुंग बर्फ से ढकी चोटियों के अलावा बौद्ध मठों, चर्चों और तिब्बती हस्तशिल्प के लिए भी जाना जाता है। इसीलिए बंगाल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बंगाल को अपने टूरिज्म सेक्टर पर भी ध्यान देना होगा। पुअर गवर्नेंस दोस्तों, बंगाल को पुअर गवर्नेंस का भी सामना करना पड़ा है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 1967 से 1971 के बीच लेफ्ट पार्टीज की वजह से स्टेट में स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स के अचानक से बढ़ गए, और बहुत सी कंपनीज इस बढ़ते स्ट्राइक कल्चर से परेशान हो गई, और वो बंगाल से शिफ्ट होकर दूसरे कोस्टल एरियाज जैसे महाराष्ट्र या गुजरात की तरफ माइग्रेट करने लग गई, जिसकी वजह से 1960 के दशक में जहां बंगाल पर कैपिटा इनकम में महाराष्ट्र और गुजरात के बाद तीसरे नंबर पर आता था, बंगाल की पर कैपिटा इनकम ओवरऑल इंडिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम से ज्यादा थी, वही प्रेजेंट में बंगाल थर्ड से 28th पोजीशन पर आ गया है। कंक्लूजन दोस्तों, अगर वेस्ट बंगाल अपने यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर सेंसिटिव होता है, साथ ही एग्रीकल्चर को न्यू और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ देता है, तो बंगाल के पास आज भी पोटेंशियल है जिसकी मदद से वो आसानी से अपनी वही पुरानी ग्लोरी को अचीव कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इन सब के साथ ही वेस्ट बंगाल को अपनी इस खराब तस्वीर को भी सही करना होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल आज भी इंडिया के उन टॉप स्टेट में आता है जो इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी जगहों पर बंगाल को लेकर नेगेटिव बातें फैलाई जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हम ये जरूर कह सकते हैं कि बंगाल अगर अपने फुल पोटेंशियल पर काम करे तो वापस अपनी लॉन्ग लॉस्ट ग्लोरी को रिस्टोर भी कर सकता है। इस मामले में क्या है आपकी राय और क्या है आपके सजेशंस, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वर्ल्ड अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।